हेलो फ्रेंड, आप सभी को प्रियंका रेसिपी में स्वागत है। आज हम मोमोज बनाने जा रहे हैं। इसके लिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर करिए। चलिए हम लोग अपना वीडियो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैदा ले लेंगे, उसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे, इसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डाल के हम आटा लगा लेंगे। एकदम हमें नरम आटा लगाना है। एकदम नरम आटा लगाना है और चिकना कर दीजिए इसको। हल्का सा तेल लगा के इसको चिकना कर दीजिए। आटा सेट हो रहा है तब तक हम स्टफिंग बना लेते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए सबसे पहले पत्ता गोभी चाहिए, हरी मिर्च चाहिए, नमक चाहिए, मैगी मसाला चाहिए, लाल मिर्च चाहिए। चलिए कद्दूकस कर लेते हैं इसे। इसी तरह पूरे पत्ते गोभी को कद्दूकस कर लेंगे। देखिए पत्ता गोभी पूरा कद्दूकस हो चुका है। अब एक बर्तन ले लेंगे, इसमें पत्ता गोभी को पूरा डाल देंगे। इसमें हल्का सा लाल मिर्च डाल देंगे। अब इसमें मैगी मसाला डाल देंगे। मैगी मसाला डालने के बाद इसमें नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार। इसे अच्छे से मिला लीजिए। अगर आपके पास हरा धनिया हो तो आप हरा धनिया डाल दीजिए। गैस पे एक पैन रखेंगे। तेल डालने के बाद हरी मिर्च डाल दीजिए। हल्का सही से भून लीजिए। अब इस स्टफिंग में डाल देते हैं इसे। डालने के बाद अच्छे से मिला लीजिए इसको। देखिए स्टफिंग बन के तैयार हो चुका है। देखिए आटा सेट हो चुका है। अब इसमें हल्का सा तेल हाथ में लगा के इसे अच्छे से मसल देंगे चिकना करने के लिए। अब एक छोटा सा लोई ले लेंगे। इसे बेल लीजिए पतला, बीच में मोटा नहीं होना चाहिए। अब इसमें स्टफिंग भर देते हैं। स्टफिंग ज्यादा नहीं भरना है। देखिए इसको ऐसे कर लीजिए, साइड में दबा दीजिए। उसके बाद चारों तरफ मोड़ लीजिए। इसे मोड़ते हुए ऐसे मोड़ लीजिए चारों तरफ से।
अभी से ऐसे कर दीजिए। देखिए मोमोज कर रही है, इसी तरह हम पूरा मोमोज बना लेंगे। देखिए पूरा मोमोज बन के तैयार हो चुका है। अब चलते हैं गैस की तरफ। सबसे पहले गैस पे एक कढ़ाई रखेंगे, उसमें दो गिलास पानी डाल देंगे। इसे गैस को चालू करके इसे गर्म होने देते हैं। और एक थाली लेते हैं, इसमें हल्का सा तेल लगा लेते हैं चारों तरफ। और इसमें मोमोज रख लेते हैं चारों तरफ। इसमें हल्का सा तेल डाल देंगे और इसे गर्म होने देते हैं। देखिए पानी खौल चुका है, इस पे जाली वाली थाली रख देंगे, इसे ढक दीजिए। इसे बॉयल होने देते हैं। अब इसे चेक कर लेते हैं। देखिए पूरा मोमो उबल चुका है। अब इसे गैस को बंद कर देते हैं। अब इसे निकाल लेते हैं। देखिए मोमोज बन के तैयार हो चुका है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ।